हूँ परेश कुमार वाडिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडिया भाई। दोस्तों मेरे चैनल पर नेचुरल से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड इसके अलावा कुछ नए नए ट्रिक के वीडियोज आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके बहुमूल्य और कीमती प्रतिभाव मुझे देना ना भूलें। दोस्तों साथ ही साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों फिलहाल तो बारिश का मौसम चलता है और बारिश के मौसम के चलते हुए मच्छरों का उपद्रव ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के साथ हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों एक मच्छर अगर काट लेता है तो उसकी बदौलत हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे एक मच्छर काटने की वजह से हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दोस्तों मच्छर को भगाने के लिए मार्केट के अंदर अगरबत्ती, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता हुआ मशीन जिसको हम रूम के अंदर लगाते हैं वो काफ़ अवेलेबल रहता है। दोस्तों ये जो मशीन हम घर के अंदर लगाते हैं उससे जो प्रदूषण होता है, अगर एक आदमी एक दिन में 20 सिगरेट पी लेता है तो फेफड़ों के अंदर उसका जो धुआं जाता है और उसकी जो असर होती है उतनी ही असर एक नाइट रूम में रहते हुए जो प्रदूषण होता है उस दवाई से उनकी जितनी असर होती है उतनी ही असर 20 सिगरेट के बराबर होती है। तो दोस्तों इससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा रहता है। इसके साथ साथ जो भी हम अगरबत्ती जलाते हैं उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इससे अच्छा है कि हम देसी टोटका यूज करें। तो दोस्तों ऐसा ही एक देसी टोटका लेके मैं आया हूं, तो आपको मैं यहां पे स्क्रीन पे बता रहा हूं, उसका आप यूज कीजिए और मच्छर वो यूज करने से मच्छर चुटकियों में गायब हो जाएंगे और बहुत ही कारगर टोटका है। तो आप भी इनको यूज कीजिए और मच्छर को भगाइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा है वो टोटका और किस तरह से मच्छर को भगाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था मच्छर भगाने का एक तरीका, तो मैंने यहाँ पे ये घी लिया है, इसके साथ साथ ये लहसुन लिया है, इसके साथ साथ ये कपूर की टिकिया ली है और ये है अजमा, आप देख सकते हो। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको लहसुन की तीन कलियाँ से ले लेनी है, तीन या चार, हम तीन ही लेते हैं। ये तीन कलियाँ इसको ऐसे पीस लेना है, इसके छिलके नहीं निकालने हैं, ये ध्यान रखिए दोस्तों। लहसुन की तीन कलियाँ ले लेनी है, इसको ऐसे बारीक बारीक से मसल देना है। छिलके एक बात खास ध्यान रखना है, छिलके नहीं निकालना है इसके। ये हो गया हमारा लहसुन। दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा चुटकी भर ये अजमा डाल देना है, जैसे मैंने डाला है। पात्र आप मिट्टी का, स्टील का कोई भी ले सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों ये कपूर की टिकिया है, इसको मसल देना है, मसल के पाउडर जैसा करके इसमें डाल देना है, जैसे मैंने डाला है डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हो उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ी है तो दो टिकिया, छोटी है तो ऐसी छोटी है तो तीन टिकिया, और इस तरह की अगर बड़ी है तो दो टिकिया। इसको ऐसे मसल के पाउडर कर देना है और इसमें डाल देना है। इसके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा सा घी डाल देना है, अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर घी ना मिले तो आप तेल का भी, कोई सा भी तेल, तोपरेल, मूंगफली का कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये करने के बाद इसके ऊपर आपको ऐसी कपूर की दो टिकिया और रख देनी है, और इसको पाउडर नहीं करना है, इसको पूरा ऐसे ही रख देना है।
ऐसे रख देना है। इतना हो जाने के बाद अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको इसको जलाना है। ये जलने लगेगा दोस्तों। अब इसको आपके जितने भी रूम हैं उसमें आपको घुमा देना है और इसका धुआं जितना भी निकलेगा वो धुआं निकलेगा और पूरे रूम के अंदर फैलेगा, सब जगह पे फैलाओ। इससे सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर मच्छर गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये ट्रिक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और ऐसे ही अगली नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों मेरे द्वारा और भी कई वीडियो डाले हुए हैं तो आप जरूर उसकी विजिट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।